जय केशव माधव श्याम हरे गोविंद हरे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कलर हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की डिज़ाइन है। वहाँ लगे हुए थे, ठीक था, तब तक घास थी और जंगली फूल थे। जब गोविंद हरे का कीर्तन किया और उसको उठाकर बांधा तो इसमें भाव आ गया और इसका गुलदस्ता बन गया। अब सुंदर लगता है। जब ऐसे ही बिखरी बिखरी घास जब ज़मीन पर उग रही थी तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। अब जब ये इकट्ठी हो गई और इसमें भाव मिश्रित हो गया कि ये किसी गुरु को या किसी भगवान को अर्पित हो जाएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे, तो आपको ये फूल जंगली अच्छे लगने लगे, है ना, क्योंकि आपका भाव आ गया इसमें। ऐसे ही संसार में फालतू विचार, फालतू कर्म अधिक होते हैं। मनुष्य के मन में भी बिन जरूरी विचार और बिन जरूरी वृत्तियां, बिन जरूरी विकार जंगली घास की तरह उगती है। उन्हें भी एक एक को तोड़कर, उनकी माला बनाकर, उनका ऐसे बंच बनाकर, यदि उसमें भी अपना भाव मिश्रित हो जाए कि ये भी हम अपने भगवान को चढ़ा रहे हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, तो वो वृत्तियां भी आपको ज्यादा सुंदर नजर आएगी क्योंकि इसमें भाव मिश्रित होगा। इसीलिए आपके हर कर्म, हर वृत्ति, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसमें भाव मिश्रित कर उसका बंच बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। जय कृष्ण।